हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीलेश मिस्टीरियस डेथ्स इन बॉलीवुड सेगमेंट में आज आपको इंडिया के सुपरस्टार श्रीदेवी के मौत की कहानी सुनाऊंगा। अगर आप YouTube की भूल भुलैया में भूले भटके से इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब का घंटा दबाना ना भूलना, आपके घंटे से बहुत फर्क पड़ेगा। श्रीदेवी इंडियन सिनेमा की एक ऐसी सुपरस्टार जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी थी, जिनके एक्टिंग की रेंज बेमिसाल बेहिसाब थी। सदमा की रेशमी से लेकर चालबाज की चुलबुली मंजू तक, चांदनी की चांदनी से लेकर मिस्टर इंडिया की हवा हवाई रिपोर्टर सीमा तक, इंग्लिश विंग्लिश की शशि गोडबोले से लेकर मॉम की देवकी सबरवाल तक, श्रीदेवी बेमिसाल लाजवाब थी। बात है 2018 की। 20 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपने शौहर बोनी कपूर के भांजे मोहित मारवा की शादी में शामिल होने यूएई के रसेल खेमा गई थी। यूएई 7 एमिरेट्स को मिलकर बना है, उसमें से एक है रसेल खेमा, जो दुबई से लगभग 112 किलोमीटर दूर है। शादी के बाद सारे मेहमान इंडिया वापस लौटे, उनमें बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी खुशी भी शामिल थे, लेकिन श्रीदेवी ने दुबई जाने का फैसला किया। दुबई में उनकी एक बहन भी रहती है। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर ने श्रीदेवी को एक शॉपिंग की लिस्ट दी थी। ये लिस्ट श्रीदेवी के मोबाइल में थी, लेकिन वो मोबाइल श्रीदेवी रसेल खेमा में भूल कर दुबई आ गई। दुबई के एक होटल जुमेरा इमिरेट्स टावर में कमरा नंबर 2201 में चेक इन किया। होटल में 2 दिनों तक श्रीदेवी कमरे से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। 2 दिनों तक उन्होंने आराम फरमाया और साथ ही उनके कुछ खास दोस्तों से चैटिंग की, बातें की। अपने दोस्त और फिल्म समीक्षक कोमल नहाटा जी को दिए एक इंटरव्यू में बोनी कपूर ने बताया कि 24 फरवरी को उन्होंने श्रीदेवी से फोन पे बात की। तब श्रीदेवी ने इमोशनल होकर उनसे कहा, पापा आई एम मिसिंग यू। दरअसल श्रीदेवी उनके शोहर को प्यार से पापा कहती थी, तो बोनी कपूर भी श्रीदेवी को प्यार से जान कहा करते थे। बोनी कपूर अच्छे से जानते थे कि पिछले 24 साल में ये पहला मौका था जब उनकी जान श्रीदेवी किसी बाहरी मुल्क में अकेले थी, इसीलिए उन्होंने खुद दुबई जाकर उसे सरप्राइज देने का मन बना लिया। उनकी बड़ी बेटी जानवी को ये सरप्राइज वाला आइडिया बेहद अच्छा लगा, क्योंकि जानवी को लग रहा था कि उनकी मम्मा कहीं हड़बड़ाहट में उनका पासपोर्ट या कोई दूसरे जरूरी कागजात होटल में ना भूल आए। इस दौरान बोनी कपूर दुबई से 21 फरवरी को मुंबई लौटे, फिर 23 फरवरी को लखनऊ में एक बिजनेस समिट अटेंड किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे। ये समिट उत्तर प्रदेश में नई इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के मद्देनजर था। उसके बाद बोनी अपने एक करीबी दोस्त शेट्टी की बर्थडे के लिए मुंबई वापस लौटे थे। दुबई जाकर अचानक श्रीदेवी से मिलना, ये सरप्राइज का आइडिया बोनी कपूर के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि 1994 में जब इन दोनों की दोस्ती प्यार में, इश्क में बदली थी, तब एक दिन ऐसा ही एक सरप्राइज बोनी कपूर ने श्रीदेवी को दिया था। 1994 में श्रीदेवी बोनी कपूर के छोटे भाई अनिल कपूर के साथ एक फिल्म कर रही थी, मिस्टर बेचारा, जिसकी शूटिंग बैंगलोर में हो रही थी। रात भर बोनी ने मुंबई से श्रीदेवी के साथ टेलीफोन पे बात की। देर रात जब श्रीदेवी ने बोनी से फोन रखने के लिए कहा, इसलिए कि दूसरे दिन उनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तब बोनी ने फोन तो रखा लेकिन श्रीदेवी से मिलने की चाहत में उन्होंने बैंगलोर की पहली फ्लाइट ली और वो सीधे बैंगलोर के ताज वेस्ट एंड होटल में जा पहुंचे, जहां श्रीदेवी और बाकी शूटिंग क्रू रुका था। होटल में चेक इन करके बोनी ने सीधा जाकर श्रीदेवी के कमरे की डोरबेल बजाई। श्रीदेवी का उस वक्त मेकअप हो रहा था। श्रीदेवी ने जब बोनी को अपने सामने पाया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें बोनी का वो सरप्राइज देने का अंदाज बेहद अच्छा लगा था और उसके बाद दोनों ने 1996 में शादी भी की थी। बोनी कपूर ने इस बार भी वैसा ही सरप्राइज श्रीदेवी को देने की सोची, तकरीबन 24 साल बाद 2018 में। जब 24 फरवरी को दोपहर में बोनी कपूर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थे, तब श्रीदेवी का उन्हें फोन आता है और वो कहती है कि पापा आई एम मिसिंग यू।
बोनी कपूर उनको सरप्राइज देने की वजह से कहते हैं कि वो अगले कुछ घंटों तक एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हो गए तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ होगा। उसके बाद बोनी कपूर दुबई की फ्लाइट पकड़कर दुबई टाइम से शाम 6:20 पे दुबई पहुंचते। जुमेरा इमिरेट्स टावर होटल पहुंचकर बोनी श्रीदेवी के कमरे की डुप्लीकेट चाबी हासिल करते और होटल स्टाफ को जानबूझकर कुछ देर बाद उनका सामान कमरे में लाने के लिए कहते, इसलिए कि वो श्रीदेवी को अकेले में सरप्राइज देना चाहते थे। और जब वो श्रीदेवी के कमरे में अचानक दाखिल होते हैं तो श्रीदेवी इस सरप्राइज से बेहद खुश होकर उनको गले लगाती है। हो ना हो, श्रीदेवी को बोनी कपूर का वही 24 साल पुराना सरप्राइज वाला अंदाज भाया होगा। उसके बाद दोनों बातें करते हैं और बोनी श्रीदेवी को एक रोमांटिक डिनर डेट के लिए कहते हैं। अब वो दिन था सैटरडे, तो उस दिन सारे होटल्स भरे होने के पूरे आसार थे, तो बोनी ने उनको जल्दी तैयार होने के लिए कहा। उसके बाद श्रीदेवी उस कमरे के मास्टर बेडरूम वाले बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और बोनी लिविंग रूम में टीवी देखने लगी। चैनल सर्फिंग करते करते वो एक स्पोर्ट्स चैनल पर रुक गए जहां क्रिकेट का मैच आ रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने श्रीदेवी को आवाज लगाई, लेकिन श्रीदेवी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोनी वापस मैच देखने लगे। जब बोनी को लगा कि श्रीदेवी जरूरत से ज्यादा टाइम ले रही है, तो वो उठकर मास्टर बेडरूम चले गए। उन्होंने वापस श्रीदेवी को आवाज दी, लेकिन बाथरूम से कोई जवाब नहीं आया। फिर आखिर में बोनी ने बाथरूम का दरवाजा खोला और उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि बाथ टब में पानी लबालब भरा हुआ है और बाथ टब के अंदर बिना किसी हरकत के उनकी जान बेसुध खामोश पड़ी है। बोनी कपूर ने आनन फानन में उनके एक दोस्त को मदद के लिए फोन लगाया, फिर होटल स्टाफ को। होटल की तरफ से एक डॉक्टर कमरे में दाखिल होता है और श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा बताया गया। वारदात की खबर लगते ही बुर दुबई पुलिस, जो वहां का लोकल पुलिस स्टेशन है, वो हरकत में आता है। रात 9 दुबई टाइम से श्रीदेवी की लाश को वो राशिद हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखते हैं और पूछताछ शुरू करते हैं। पुलिस ने बोनी के अलावा 3 और लोगों का बयान दर्ज किया जो श्रीदेवी को हॉस्पिटल लाए थे। इतनी बड़ी सनसनीखेज खबर, लेकिन ये न्यूज उस रात कहीं ब्रेक नहीं हुई थी। इंडियन टाइम सुबह 3 पहली बार ये न्यूज इंडिया के मीडिया में आग की तरह फैल गई। इस दर्दनाक खबर ने उस दिन इंडिया में हड़कंप मचाया, क्योंकि कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि इतनी फिट तंदुरुस्त फिटनेस फ्रीक श्रीदेवी की महज 54 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो सकती है या बाथटब में डूब के मौत हो सकती है। फिर क्या, सुबह से ही अपनी आदत से मजबूर मीडिया ने अपनी अटकलों और सो कॉल्ड एक्सपर्ट के एनालिसिस की दुकान टीवी पे खोल दी। किसी ने श्रीदेवी की हुई 29 प्लास्टिक सर्जरी को इसका कसूरवार माना, कहा कि इनमें से एक सर्जरी फेल हुई थी और उसके लिए श्रीदेवी को दवाइयां लेनी पड़ रही थी। किसी ने साजिश कहा, किसी ने हादसा। श्रीदेवी की मौत सैटरडे रात को हुई, अगले दिन संडे था और संडे को वहां पोस्टमार्टम नहीं होता। दुबई का कानून उसे अलाउ नहीं करता। ये केस हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ एक विदेशी नागरिक का भी था, तो लोकल बुर दुबई पुलिस से ये केस दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी DPP को सौंपा गया। जैसे इंडिया में ऐसे केसेस क्राइम ब्रांच या CID हैंडल करती है, वैसे दुबई में ऐसे केसेस DPP यानी दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन हैंडल करता है। जैसे ही दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन इस मामले में हरकत में आई, उन्होंने इस मामले से जुड़े हर एक शख्स से बारीकी से पूछताछ की। होटल का CCTV फुटेज भी खंगाला, लेकिन उसमें कुछ हाथ नहीं लगा। बोनी कपूर ने दिए बयान को वापस से रिकॉर्ड किया गया। उनसे काफी सवाल किए गए, जैसे कि आपने सबसे पहले किसको फोन किया, होटल स्टाफ या पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, उस रात जब श्रीदेवी बाथरूम में थी तब आप क्या कर रहे थे। बोनी कपूर ने जब कहा कि वो टीवी में मैच देख रहे थे, तो उनसे उस क्रिकेट मैच की डिटेल्स भी पूछी गई, जिसे DPP ने क्रॉस चेक करके सही पाया। हाई प्रोफाइल और सेंसिटिव केस होने की वजह से DPP अपना वक्त ले रही थी।
एक तरफ इंडिया में श्रीदेवी के फैंस, फैमिली, हर कोई उनके अंतिम दर्शन के लिए तरस रहा था, तो दूसरी तरफ श्रीदेवी का पार्थिव शरीर एक विदेशी मुल्क में हॉस्पिटल के मॉर्चरी में अपने अंतिम संस्कार की राह देख रहा था। मौके की नजाकत को समझते हुए बॉलीवुड के दबंग खान और किंग खान ने श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को फौरन इंडिया वापस लाने के लिए अपने सभी कॉन्टैक्ट्स का बखूबी इस्तेमाल किया। दोनों खानों के यूएई में काफी बड़े बड़े लोगों से, ताकतवर रसूखदार शेखों से अच्छी खासी पहचान है, वो काम आई। फाइनली डीपीपी यानी दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने उनके तरीके से छानबीन करने के बाद श्रीदेवी के फैमिली को उनकी बॉडी सौंपने का फैसला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी डूबना बताया गया। साथ में बॉडी को इम्बाल्मिंग प्रोसीजर के लिए भेजा गया। दोनों सर्टिफिकेट के बाद ही बॉडी को घर वालों को सौंपा गया। इम्बाल्मिंग प्रोसेस दो तरह की होती है, पहली आर्टेरियल, दूसरी कैविटी इम्बाल्मिंग, जिसके जरिए एक मुर्दा जिस्म को गलने से कुछ दिनों के लिए बचाया जाता है। आर्टेरियल इम्बाल्मिंग में बॉडी के वेन से सारा खून निकालकर एक दूसरी आर्टरी के जरिए उसमें एम्बाल्मिंग सॉल्यूशन यानी केमिकल भरा जाता है, तो कैविटी इम्बाल्मिंग में चेस्ट के ऊपर एक छोटा सा चीरा लगा के चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी से खून निकालकर उसमें इम्बाल्मिंग सॉल्यूशन यानी केमिकल भरा जाता है। इम्बाल्मिंग करने से पहले सारे बॉडी को डिसइंफेक्ट किया जाता है। सारा प्रोसीजर खत्म होने के बाद फिर से एक और बार बॉडी को डिसइंफेक्ट किया जाता है। फिर बॉडी को कपड़े पहनाकर, बाल सही करके हल्का सा मेकअप भी किया जाता है। बिना इम्बाल्मिंग सर्टिफिकेट आप डेड बॉडी को लेकर शिप या प्लेन में ट्रैवल हरगिज नहीं कर सकते। अगर किसी की विदेश में मौत होती है तो उसका पासपोर्ट वही फौरन कैंसिल किया जाता है और उसकी बॉडी को डेथ सर्टिफिकेट इश्यू करके उसके वतन भेजा जाता है। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर को यह डर था कि कहीं उनकी मां दुबई में अपना पासपोर्ट भूलकर ना आए। उसने कभी सोचा भी ना होगा कि श्रीदेवी का दुबई से इंडिया तक का आखिरी सफर उनके पासपोर्ट पे नहीं, डेथ सर्टिफिकेट पे होगा। क्या बीती होगी उस बेटी पर, हम सोच भी नहीं सकते। श्रीदेवी के बॉडी को वापस इंडिया लाने के लिए अनिल अंबानी ने अपना प्राइवेट प्लेन दिया था। उसी प्लेन में बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, संजय कपूर और उनके भांजे मारवा फैमिली के कुछ मेंबर्स के साथ श्रीदेवी को इंडिया लाया गया, मौत के 4 दिन बाद। अगर आप सोच रहे होगे कि भला बाथटब में डूबकर कोई कैसे मर सकता है, तो आपको बता दूं कि दुनिया भर में हर साल लाखों लोग बाथटब में डूबकर मरते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कुछ सेलिब्रिटीज जैसे कि जिम मॉरिसन और विटनी ह्यूस्टन की मौत भी बाथटब में डूबकर हुई थी और सभी मामलों में विक्टिम के बॉडी से अल्कोहल की मात्रा मिली थी। श्रीदेवी की ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी उनके बॉडी में अल्कोहल पाया था। अब ये बात हर किसी के गले आसानी से नहीं उतरेगी कि अगर श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबकर हुई तो फिर उन्होंने मरने से पहले खुद को बचाने के लिए कुछ तो स्ट्रगल, कुछ तो कोशिश की होगी। लेकिन अगर फॉरेंसिक साइंस की माने तो उस वक्त अगर आपके बॉडी में ड्रग्स का लेवल या अल्कोहल का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा है, या फिर आपके सर पे चोट लगी हो, या फिर आपको फिट्स का, मिर्गी का दौरा पड़ा, तो बाथटब में बिना स्ट्रगल डूबना बिल्कुल पॉसिबल है। अब आते ही इस मामले से जुड़े कुछ अन्य एंगल्स पर। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण ने इस मौत को एक प्लान्ड मर्डर बताया है और इसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ होने का शक भी जताया। वेद भूषण ने अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ उसी जुमेरा इमिरेट्स टावर होटल के वैसे ही एक कमरे में जो ठीक 2201 के नीचे बना है उसमें क्राइम सीन रिक्रिएट किया था। वैसे उनका ये भी कहना है कि ये होटल दाऊद का ही है और श्रीदेवी के मौत के बाद श्रीदेवी वाला कमरा नंबर 2201
किसी को भी नहीं दिया जा रहा है और होटल में वीडियोग्राफी करने पर भी सख्त मनाही है। एक फिल्म मेकर सुनील सिंह ने श्रीदेवी की मौत पे साजिश का शक जताकर री इन्वेस्टिगेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनका दावा था कि वो श्रीदेवी के मौत के वक्त दुबई में थे और उन्होंने पर्सनली उस होटल के स्टाफ से, उस केस से जुड़े कुछ लोगों से उस वक्त बात की थी और सब ने कुछ और ही बताया था। तो सुनील सिंह इस घटना की पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहते थे और ये भी चाहते थे कि दुबई से वो सभी इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स इंडिया में लाकर उसकी दोबारा से जांच की जाए। और एक बात का उन्होंने दावा किया था कि श्रीदेवी की ओमान देश में एक इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली थी जो 240 करोड़ की थी, जिसके क्लेम के लिए एक शर्त अहम थी और वो शर्त ये थी कि अगर श्रीदेवी की मौत दुबई में होती है तो ही उन्हें उस पॉलिसी क्लेम के पैसे मिलेंगे। हालांकि अदालत ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया। श्रीदेवी की मौत एक हादसा था या साजिश थी या कुछ और, सच जो भी हो आज श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है, लेकिन श्रीदेवी हमारे बीच हमेशा उनके फिल्मों के जरिए जिंदा रहेगी।